केला ले लो केला, जी हाँ केला। ना मिल सके रात का खाना तो केला खाकर काम चलाना। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन प्लास्टिक बैन के बाद अब एक और चीज पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान ध्यान में रखते हुए चारबाग स्टेशन पर केले की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब अगर कोई भी दुकानदार केला बेचते पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर रेलवे अधिकारियों की दलील है कि केलों के छिलके से स्टेशन पर गंदगी फैल रही थी, इसलिए इसकी बिक्री ही बंद करवा दी गई। चारबाग स्टेशनों पर ट्रेनों से सफर करने वाले ज्यादातर लोगों की पसंद केला है। ऐसे में यात्रियों ने इस फैसले पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि गंदगी रोकने को शौचालय भी बंद करवा दीजिए, केले पर रोक लगाने का फैसला समझ से परे है। मेरे ख्याल से केले के छिलके से ज्यादा तो यहाँ पर पेपर का कूड़ा, पॉलिथिन वगैरह, ये तो प्लास्टिक वगैरह ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है। और कूड़े की बात रही वो तो मतलब जैविक कूड़ा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं, तो उससे इतना नुकसान भी नहीं करना है, तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाते हो ज्यादा। ये गलत है, अगर यदि केला बंद हो गया तो केला एक मुख्य जो है इंसान के लिए वो है, क्या कहते हैं, ये फल है, ये खोजने के लिए दिक्कत हो गई। और ये क्लियर है केला बंद हो गया तो इसका मतलब कचरा हो बंद हो जाएगा, ये संभव नहीं है। बता दें, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ रेल को लेकर संजीदगी बरती जा रही है। स्टेशन को हाल ही में ISO प्रमाण पत्र भी मिला है। ऐसे में स्टेशन पर गंदगी ना रहे, इसके लिए केलों की बिक्री पर रोक लगवा दी गई है। हाल ही में मंडल रेल प्रबंधक ने भी स्टेशन का निरीक्षण किया था, इसमें केलों से हुई गंदगी पाई गई थी, जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया। हालांकि यात्रियों में इसे लेकर नाराजगी है। उनकी शिकायत है कि करोड़ों रुपए सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं। सुविधा होनी चाहिए, आदमी केले मांगते हैं, गरीब आदमी 20 बार केला ले लेता, खा लेता है। अब ये बताइए कि गंदगी थोड़ी नहीं हुई, लेकिन सफाई, साफ सफाई है, डस्टबिन भी लगी हुई है, बिक्री भी फर्क पड़ रहा हम लोगों पर। शिकायत के बावजूद ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो यात्रियों के हित में नहीं है। आसपास की केले की दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि स्टेशन पर सबसे अधिक मांग केलों की ही रहती है, सफर करने वाले यात्रियों को केला काफी पसंद आता है, ऐसे में इसकी बिक्री पर रोक से आमदनी कम होगी। वहीं सेब, अमरूद जैसे फलों की उतनी बिक्री नहीं जितनी की केले की है।